Hello everyone. Uh, my name is Dipanshu Singh. I'm a faculty at NextIS, which is a part of Made Easy Group. So I welcome you all to the Made Easy Studio today. And I'm thrilled to have with me uh, one of uh, the top rankers of Engineering Services Examination, Mr. Shivam Mittal. Shivam, congratulations for securing you, a sir. very good rank in Engineering Services uh, 2018. So Shivam uh, uh, basically belongs uh, uh, from, uh, you know, coming from NIT Hamirpur, has uh, done his graduation in 2016. And uh, it was his first attempt, and has secured uh, you know very good rank in the first attempt. So uh, you know before going to too much into detail, uh, so th this is just a tip for everyone that uh, you know Shivam has been dedicatedly preparing. For engineering services, you know, uh, you know, just after graduating, and the most outstanding thing, uh, which I came to know, you know, while interacting before this uh, interview, that he belongs to a business family ko belong karte and uh, business family. So, a business family he took this decision that he wants to become an engineer. And on top of that, uh, you know, after you know, very, getting very good marks in engineering. ही ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग सर्विस गवर्नमेंट सर्विस फॉर इंजीनियर्स शिवम प्लीज टेक अस थ्रू अबाउट यूर जर्नी आप कैसे सोचा एग्जाम के लिए बिकॉज आप एक बिजनेस फैमिली से आते हैं घर से <laughs> कुछ प्रेशर था नहीं था मतलब क्या अप्रोच था एग्जाम के लिए सर uh, सबसे पहले तो मैं मेडीजी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मेरे को उन्होंने इस सेशन के लिए इन्वाइट करा और सर एक्चुअली जो मेरी फैमिली है वो एक बिजनेस फैमिली से, से बिलोंग करते हैं जी, तो सर पर मेरे जो फादर हैं उन्होंने हमको हमेशा मोटिवेट कराया है कि इस फील्ड से अलग तुम कुछ और करो तो इस सक्सेस के पीछे तो मैं अपने पूरा क्रेडिट मेरे फादर का ही है वो बिगिनिंग से मेरे साथ ही थे कि नहीं तुमको कुछ और करना है तुमको कुछ और करना है तो मैं उनका सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इस जर्नी में मेरे फादर ने इतना साथ दिया बाकी मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी स्पेशली अच्छा। uh, सर मेरे फादर का ही की वजह से मैं आज, आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो बहुत अच्छी बात है देखिए मतलब हम लोग जनरली देखते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर की फैमिली है तो वो बेटे या बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं या कोई डॉक्टर या इंजीनियर की फैमिली है तो वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं सो so, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे कि mm. जो शिवम है उनके फादर ने स्पेशली बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि उन्होंने उनको बोला कि जो आपको अच्छा लगे लाइफ mm. में आगे करिए एक बिजनेस है mm. तो जनरली बिजनेस फैमिलीज में होता है कि एक हरारकी फॉलो होती है mm. कि बेटा कंटिन्यू करेगा बिजनेस में बट mm. यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ आई वॉज गिवन फुल फ्रीडम सो शायद वही एक और रीजन है कि शायद शिवम जो है थोड़ा फ्री माइंड से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए तो शिवम आई केम टू नो दैट यू हैड एनरो प्रोग्राम्स yes, तो कौन कौन से मेडिजी प्रोग्राम में आपने इनरोल किया था एंड किससे किससे आपको क्या क्या फायदा हुआ सर uh, uh, जो मेडिजी है मेरी सक्सेस के पीछे मेडिजी का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद uh, मैंने एक जॉब ज्वाइन करा था और उसके बाद फिर मैंने थोड़े दिन बाद वो जॉब uh, को छोड़ दिया था अच्छा। फिर उसके बाद मैंने घर पे सेल्फ प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा बट फिर उसके हिसाब से जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन देखे तो मेरे को लगा कि अगर मैं इस तरह से प्रिपेयर करने लगा तो मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा ये सब चीज क्रैक करने में फिर मेरे को लगा कि मेरे को मेडिजी ज्वाइन करना चाहिए अब आपको आपके ही सामने की छह महीने में छह महीने मैंने मेडीजी में कोचिंग करा और मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्रैक करे हैं तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं पहले मेरे को कुछ भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था अब मेडीजी ने इतना ज्यादा मेरे को सपोर्ट करा है क्योंकि मेरे पास तो कोई वो भी नहीं था जिसको मैं फॉलो कर सकूं okay. तो मेडीजी ने हर जगह मेरे को बहुत सपोर्ट करा है जी. पूरे वैसे मैंने मेडीजी का बी बैच में मैंने ज्वाइन करा था हाँ। जो मई 2017 में स्टार्ट होता, yes, uh, अच्छा, होता है क्लासरूम प्रोग्राम यस सर वो ई सी एंड गेट का दोनों कंबाइन होता है और फिर उसके बाद सर uh, मैंने uh, पहले तो मेरा मेन फोकस इंजीनियरिंग सर्विसेज पे ही था तो फिर पहले मैंने प्रिलिम्स इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करी उसके बाद जब मेरा प्रिलिम्स क्लियर हो गया तो मेडिजी का मेन्स के लिए भी वो लोग प्रिपेयर कराते हैं तो फिर उसके बाद मैंने मेन्स के लिए बैचेस वो जो थे वो ज्वाइन करे उसके बाद जब मेन्स मेरा क्लियर हो गया तो मेडिजी ने फिर इंटरव्यू गाइडेंस

में कैसे आपने प्रिपेयर किया से का कौन से मॉड्यूल्स आपके लिए हेल्पफुल रहे फिर मेंस का अप्रोच कैसे रहा आपका yes. सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पहले मेरे को ऐसा लगता था कि जो मेडी जी के क्लास में पढ़ाते हैं और जो एग्जाम में आता है वो एकदम डिफरेंट आता है तो मैं इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था जो क्लास में पढ़ाते थे हाँ। बट जब मैंने प्रिलिम्स का जब जब मेरे पास सा, सामने पेपर आया तो मेरे को ऐसा लगा पूरा पेपर मेडी जी के क्लास नोट से ही बना हुआ है क्योंकि इवन जो जीएस का पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सर ने क्लास में टिक कराए थे कि इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे आ गए थे तो मैं तो क्लास में बैठ के जब मैं पेपर दे रहा था

ज़्यादा नॉलेज को गेन करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें Right. तो आ, आ, मेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन कैसे अपने, अपने आपको मेंस में कैसे प्रसोता हाँ। तो तो में है, तो है कि ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है जल्दी जल्दी सॉल्व करके हमको ज्यादा ज्यादा हमें डीप नॉलेज नहीं चाहिए होती है उस चीज में जस्ट हमें बस एक ओवरव्यू चाहिए होता है किसी भी टॉपिक का बट सर मेन्स में क्या होता है हमें थ्रो स्टडी

मेडिसिन ने बहुत अच्छा से करवाया मेंस का भी तो बेसिकली so मतलब जो आपका ये टेस्ट सीरीज भी होती थी मेंस के जो क्लासरूम प्रोग्राम में जो आपने प्रैक्टिस करी तो yes, ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर लाइन ऑफ पैटर्न था जैसे यूपीएससी में फाइनल आपका पेपर yes, जैसे सर क्या होता था कि जब मैं मेडीजी की टेस्ट सीरीज देता था तो okay. उसमें क्वेश्चन बड़े टफ पूछे जाते थे तो मेरे को जब मैं प्रीवियस ईयर के देखता था यूपीएससी hmm. के क्वेश्चन hmm. तो मुझे ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन मेडीजी लग रहा है टफ पूछ रहे हैं अच्छा। ऐसा ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है okay. बट जब मैंने यूपीएससी का पेपर देखा तो उसमें उसी पैटर्न के क्वेश्चन थे मतलब यस सर क्योंकि जो इस बार का पेपर था मीन्स का वो एकदम जितने पहले के पेपर थे उनसे एकदम हटके था और उसमें जो क्वेश्चन का लेवल था वो भी बहुत हाई था तब उस टाइम मेरे को लगा अच्छा कि 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 इस इस लेवल के 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 हमको हमसे हमसे पूछता था अच्छा हुआ कि easy ने ने इजी क्वेश्चंस क्वेश्चंस ना पूछ टफ पूछे थे टेस्ट टेस्ट सीरीज में जिससे एग्जाम लिए प्रिपेयर हो सका तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे शिवम ने बताया कि जब हम लोग बेस्ड ऑन जो भी हमारा ट्रेंड चल रहा है तो जैसा शिवम ने बताया कि उन्हें पहले लगता था कि बड़ा टफ पूछ रहे हैं मेडीसी वाले पेपर जो है बट yes. बाद में जब उन्होंने फाइनली एग्जाम दिया तो ही हिमसेल्फ रियलाइज कितना हेल्पफुल और शायद वो yes. एक बहुत बड़ा फैक्टर था इनके yes. लिए कि उन्होंने एग्जाम फर्स्ट एंड में इतनी अच्छी रैंक में क्लियर कर पाए क्योंकि वही होता है कि आप जितना ज्यादा बैटल में ब्लीड कर लेंगे आप फाइनली जो जो विक्ट्री है आपकी पूरी जो वॉर है उसमें आप कर पाएंगे तो ये एक इंडिविजुअल बैटल होती है एक तरीके से जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आप जितना यहाँ पे मेहनत कर लेंगे जितनी मेहनत यहाँ पे कर लेंगे उतना आपको फाइनली फायदा फ्रूटफुल होगा इन दी फाइनल एग्जामिनेशन तो so, शिवम uh, आप ये बताइए कि आपने इंटरव्यू गाइडेंस भी लिया था से तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा मॉक इंटरव्यूज का पैनल कैसे था यहाँ पे और वेदर इट वाज मैचिंग पैनल जैसे यूपीएससी में रहता mm -hmm. है हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस अबाउट सर इंटरव्यू गाइडेंस में जो मेडी जी ने uh, सबसे पहले तो उनके क्लासरूम सेशंस होते हैं जिसमें वो बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कौन से स्टडी करने हैं फिर उसके बाद कुछ दिन के क्लासरूम सेशंस के बाद फिर वो इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज प्रोवाइड कराते हैं और जो मेडी जी में जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं उनका जो पैटर्न होता है वो सेम टू सेम यूपीएससी में जो इंटरव्यू होता है वो उसके जैसा ही होता है वो प्रीवियस जो जो यूपीएससी जो भी मतलब सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो, uh, जो भी हाईली क्वालिफाइड जो भी टीचर्स होते हैं फैकल्टीज होते हैं वो उस पैनल

मॉक इंटरव्यूज हुए उसमें आपको कुछ टिप दिया गया इसके बारे में कि हाउ टू टैकल दिस पर्सनालिटी वाइज कुछ आपको टिप दिया गया इजी से मॉक इंटरव्यूज में हुँ. तो आ, कुछ उसके बारे में बताइए uh... आपका यूपीएससी का इंटरव्यू कैसा रहा सर यूपीएससी का इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा रहा क्योंकि जो मेरा गेट में रैंक uh, था वो भी अच्छा था तो मोस्टली मतलब वो जो मेरा इंटरव्यू था वो मेरे गेट की रैंक पे ही वो लोग क्वेश्चन करते रहे कि आपने uh, इतना अच्छा पहले अटैम्प्ट में आपने गेट में कैसे इतना अच्छा रैंक लेके आए और आपने कैसे कैसे मेहनत की आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई गेट के एग्जामिनेशन के बाद अभी आप क्या कर रहे हो तो मोस्ट आई थिंक मेरा इंटरव्यू हाफ एन आवर चला था हाफ एन आवर में से ट्वेंटी uh, मिनट्स तो मेरा गेट पर ही पूरा डिस्कशन चल गया था <laughs> क्योंकि सो वन ऑफ वन ब्रिलियंट 랭क्स अगर hmm. आप देखो इन इन दिस अटेम्प्ट तो मतलब गेट की तरफ डाइवर्ट हो गया yes, इंटरव्यू क्योंकि वो जो चेयर पर्सन सर थे वो तो ऐसे बोल रहे थे कि आपने गेट में 42 रैंक लाया है और जो वो तो ऐसा सोचते हैं कि गेट का जो एग्जामिनेशन होता है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी टफ होता है <laughs> <laughs> तो बहुत पॉजिटिव रहा वो सब यस सर uh, yes, एक्चुअली में अगर देखें hmm. तो ये जो बात बोल रहे हैं वो सही है क्योंकि अगर आप गेट में देखो तो हर ब्रांच कंपीट करती है आ, हर पोजिशन हर के लिए वहां पर इंजीनियरिंग सर्विस में भी देखिए बट आपके एटलीस्ट ब्रांच बाइफेटेड है तो थोड़ा आपको कंपेरिटिवली गेट से hmm. थोड़ा कॉम्पिटिशन अलग हो जाता है बिकॉज यहाँ पे ब्रांच वाइज हो रहे हैं बट गेट में इवन दो ब्रांच है वहां पर बट स्टिल द कॉम्पिटिशन ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज वेरी वेरी हाई तो शायद चेयरपर्सन इसीलिए थोड़ा उनको लगा होगा yes <laughs> कि आप फिर से यहां पे में तो ये टैकल कैसे कैंडिडेट फेस करते हैं जॉब yeah. uh, को छोड़ के आया है या फिर कहीं पर अच्छी रैंक लेकर आया तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन yes हो, हो जाता है इंटरव्यू में स्पेशली तो मेडिज में भी हम लोग मॉक में ऐसा कराते हैं कि सर सो दैट आर एबल टू आंसर क्योंकि इसमें हम वी के नॉट गूर सेट पैटर्न यू डायरेक्टली तो जब आपसे पूछा गया तो आपने कैसे टैकल किया

टेक के लिए कहीं भी अप्लाई नहीं करा था और जो भी मतलब पीएस जिसमें जनरली लोग अप्लाई करते हैं आईओसीएल हो गई एचपीसीएल हो, हो गई एन इसमें भी किसी में अप्लाई नहीं करा था जी, जी, तो फिर इससे उनको रियलाइज हो ही गया कि जो मेरा मेन एम था वो इंजीनियरिंग सर्विसेज ही था तो फिर उन्होंने फिर इस, इस टॉपिक को फिर वहीं पर ही खत्म कर दिया था ठीक है तो मतलब आप देखिए कि मतलब ये बहुत एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है यूपीएससी में तो जैसे शिवम ने बताया कि उन्होंने कैसे टैकल किया कि एक क्लियर फोकस होना चाहिए एम बहुत क्लियर होना चाहिए आपका कि आपको क्या करना है अगर आप अपने पोजीशन से बच नहीं करेंगे तो आप यू विल बी एबल टू कन्विंस द यूपीएससी पैनल की हाँ आप जो करने आए हैं यू हैव अ क्लियर थॉट ऑफ माइंड आपको पता है आपको क्या करना है लाइफ में तो शिवम अब तो इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक कर लिया है अब अब जॉब जॉइन करेंगे सर्विस आगे कुछ प्लान है सिविल सर्विसेज का या फिर कुछ सोचा है इसके बारे में कभी आगे सर अभी तो मैं खाली सिविल सर्विसेज का सिलेबस ही देख रहा हूं ऐसे ना। ना। <laughs> तो इसीलिए सर अभी ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है अब हो सकता है सर टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं तो क्या पता आगे कभी तो uh, तो फ्रेंड्स आपने देखा शिवम मित्तल हमारे साथ थे आज स्टूडियो में जिन्होंने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर करी अपने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में स्टैंड आउट फीचर इनका ये कि इज कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है uh, चीजों को लेकर hmm. तो उनके फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल yes, रहा sir. इनके एग्जाम में क्रैक करने के लिए पूरा फुल फैमिली सपोर्ट था hmm. उसके बाद इन्होंने गेट में भी बहुत अच्छी फोर्टी रैंक सिक्योर करी इंटरव्यू पैनल में जब आप गए तो उसके बाद इंटरव्यू पैनल में इनका जो क्वेश्चनिंग लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी वो आधे घंटे में मेरे ख्याल से बीस मिनट सिर्फ गेट पे ही रही तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यूपी

लास्ट में अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें किसी लास्ट टिप आ, कोई हमारे स्टूडेंट्स या लर्नर्स को सर एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ क्योंकि जब मैंने मेडिजी में एडमिशन लिया था तब मेरे से कुछ लोगों ने ऐसा बोला था कि जो मेडिजी है उसमें खाली इंजीनियरिंग सर्विसेज का रहता है हाँ। गेट में उतना ज्यादा वो फोकस नहीं करते हैं हाँ। बट अगर आगर आगर आप मेरे को देखें तो मेरा तो गेट में भी रैंक आया है और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी रैंक आया है तो ऐसा कुछ नहीं है अब अगर आप मेडिजी में आपने प्रिपेयर कर लिया तो ऐसा कुछ कोई भी एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक ना कर सको जैसे आप खुद ही देखेंगे मैंने सारी लगभग सारे एग्जाम जैसे इसरो हो गया ई हो गया जितने भी एग्जाम थे वो सारे ही क्रैक करे हैं तो आप कभी भी ऐसा मत सोचो और अगर आपको आ, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो फिर फेथ रखो मेडिजी पे क्योंकि मेडिजी आपको कभी भी डिसपॉइंट नहीं करेगा सो वेल सेट शिवम एंड जैसा शिवम ने बोला कि मेड इजी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा अब तो वी आर ऑल्स वेंचरिंग इन टू सिविल सर्विस अब नेक्स्ट आई एस प्लेटफॉर्म है तो अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए कोई डिटेल चाहिए यू कैन गो ऑन द वेबसाइट ऑफ मेड इजी यू कैन गो ऑन देबसाइट ऑफ नेक्स्ट आई एस सो शिवम थैंक यू सो मच कंग्रेचुलेन वंस अगेन सो टू कमिंग टू आर स्टूडियो सो फ्रेंड्स प्लीज टेन फॉर मोर टॉपअर स्टॉक दिस इज दू सिंग साइन आउट